जय माता दी। वेलकम बैक टू सोनिका किचन। हैदराबादी स्टाइल मटन बिरयानी बनाने के लिए ये मैंने 700 ग्राम मटन लिया है। मटन को जो है मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आप बिरयानी कोई सी भी बनाएं, चाहे हैदराबादी बनाएं, चाहे दम बिरयानी बनाएं, लेकिन जब तक आप मटन को मैरिनेट नहीं करेंगे तब तक वो फ्लेवर और वो टेस्ट नहीं आता बिरयानी में। तो इसलिए बिरयानी बनाने से पहले आप मटन को 2-3 घंटे जरूर मैरिनेट करके रख दीजिए। मटन मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। तो नमक जो है हमें अभी कम ही डालना है क्योंकि आगे भी जो है नमक हम ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। ये 1 टीस्पून मैंने देगी मिर्च ली है। हैदराबादी बिरयानी में लाल मिर्च यानी जो देगी मिर्च का कलर होता है वो नहीं ऐड होता है, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि इससे कलर जो है मुझे बिरयानी में बहुत अच्छा लगता है। 1 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हींग जरूर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें भुना जीरा पाउडर ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने ये 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ये मैंने वही ऑयल लिया है जिसमें मैंने अभी अनियन फ्राई किए थे, अभी वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसे भी ऐड कर देंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जिसमें हम अनियन फ्राई करते हैं उसी ऑयल को जब हम मैरिनेट में मिक्स करते हैं तो इसका बिरयानी का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है। चाहें तो इसमें देसी घी का भी यूज कर सकते हैं ऑयल की जगह पर। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, उसे ऐड कर देंगे। ये मैंने 100 ग्राम जितना दही लिया उसे ऐड कर देंगे, यानी आप समझिए मैंने ये एक छोटा बाउल ही दही का लिया है। मैंने एक नींबू का रस लिया है, उसे ऐड कर देंगे। दूध में थोड़ा सा केसर घोला हुआ है, 1 चम्मच हम घुले हुए केसर की डाल देंगे जो हमने दूध में घोला हुआ है। यदि आप पे घर में केसर है तो आप ऐड कर दीजिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से फ्राइड अनियन मिक्स कर देंगे जो कि बिरयानी में बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। थोड़ा सा इसमें पुदीना कटा हुआ ऐड कर देंगे। पुदीना ऐड करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे फ्लेवर बिरयानी का बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड कर देंगे। हम मटन और मसाले को जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए मटन को जो है मैंने अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब मटन को हम 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं मटन को फ्रिज में रखे हुए। अब मैंने जो है मटन को बाहर निकाल लिया है और मटन की जैसे ही मैंने प्लेट उठाई तो बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और ऐसे ही मैरिनेट करके रखिएगा। मटन को हम प्रेशर कुकर में डाल के 6 सीटी लगवा लेंगे। ये मटन के ऊपर डिपेंड होता है कि मटन कैसा है। कई मटन जो होते हैं ज्यादा सीटी में गलते हैं और कई मटन जो है कम सीटी में भी गल जाते हैं। मटन को अब हम प्रेशर कुकर में डाल के 5 से 6 सीटी लगवा देंगे। देखिए मटन को जो है मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 गिलास से थोड़ा कम मैंने पानी लिया है उसे ऐड कर देंगे और मटन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें जो है पानी थोड़ा कम लग रहा है, इसमें अभी मैं अभी थोड़ा और पानी डाल देते हैं। तो 1 कप जितना पानी और ऐड कर देंगे और इसको भी जो है हम मिक्स कर देंगे। कुकर को हम बंद करके फ्लेम के ऊपर रख देंगे और 6 सीटी लगवा देंगे। तो ये देखिए गाइस मैंने 700 ग्राम मटन लिया है, लेकिन चावल जो है वो मैंने 1/2 किलो लिए हैं और ये 1/2 किलो चावल को मैंने अच्छे से पानी से 5-6 बारी वॉश कर लिया है। चावल को जो है हमें 1/2 घंटा पानी में भिगो के ही रखना है जिससे चावल बहुत अच्छा बनता है। एक बर्तन में पानी गर्म करने रखा है जिसमें हम चावल को जो 80% तक ही पकाना है, पूरी तरह से नहीं पकाना है। गाइस ये देखिए ये मैंने सारे खड़े मसाले लिए हैं, उसे अब हम पानी में ऐड कर देंगे जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे क्योंकि हमें इसमें चावल बॉयल करने हैं। 2 छोटे टुकड़े मैं तेज पात के ऐड कर रही हूँ। पानी जो है बॉयल्ड हो रहा है, अब इसमें हम चावलों को ऐड कर देंगे। हमने खड़े मसाले डाले हैं, उनका फ्लेवर चावलों में बहुत ही अच्छा आएगा। फ्लेम को हम हाई रखेंगे क्योंकि
क्योंकि हमें चावल को जो है 80% तक कुक करना है। 1 टीस्पून नमक हमने मटन को मैरिनेट करते समय भी ऐड किया था और 1 टीस्पून चावलों में भी हम ऐड कर देंगे, लेकिन अपने स्वाद के अनुसार ही पूरा नमक हम पूरे प्रोसेस में ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैं आधी चम्मच और ऐड कर रही हूँ। इसमें 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया है और मटन मैरिनेट करते समय 1 टीस्पून नमक ऐड किया था। 2 टेबल स्पून इसमें देसी घी ऐड कर देंगे। बिरयानी है तो देसी घी तो थोड़ा ऐड करना बनता ही है। आप चाहें तो जिसमें हमने अनियन फ्राई किए थे जिस ऑयल में, आप वो वाला भी ऑयल यूज कर सकते हैं और देसी घी को स्किप कर सकते हैं। चावलों में हम 1 नींबू का रस ऐड कर देंगे जिससे चावल खिले खिले बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। चावल जो है आपस में चिपकते नहीं है और एकदम दाना खिला खिला बनता है। चावल को जो है हमें बार बार हिलाना नहीं है, खाली हमें ये देखना है कि चावल जो है हमारे 80% ही कुक होने चाहिए। तो चावल हमारे अभी 50% तक ही कुक हुए हैं। चावल जो है हमारे 80% कुक हो गए हैं और अब जो है हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चावल को हम छन्नी से छान लेंगे। देखिए चावल को जो है मैंने छन्नी में छान लिया है, लेकिन ये जो दालचीनी के टुकड़े हैं इसे हम निकाल लेंगे। बॉइल्ड ही होते समय जो खड़े मसाले हैं वो अपना फ्लेवर चावलों में छोड़ देते हैं, तो हम खड़े मसाले इसलिए थोड़े निकाल लेते हैं जिससे कि वो बिरयानी में जब आते हैं ना खाते समय तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम निकाल देते हैं खड़े मसाले। ये देखिए मीडियम फ्लेम पर मैंने एक पैन रखा है जिसमें 2 टेबल स्पून इसमें देसी घी ऐड कर देंगे। तो फ्राइड जिसमें अनियन कर रहे थे वो वाला ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तेज पात डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा इसमें हम शाही जीरा ऐड कर देंगे और ये जो हमने मटन को 5 सीटी लगवाई थी उसी में मटन गल गया था उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मटन जो है 5 सीटी में गल गया था। हमें मटन को जो है 90% तक ही गलाना होता है और बाकी 10% तो चावलों के साथ ही गल जाता है। अब इसको हम फैला देंगे अच्छे से। तो अब ये जो पानी है इसको हमें थोड़ा सुखाना है। ये देखिए पानी जो है थोड़ा सूख गया है, अब हम चावल ऐड कर देंगे इसमें। तो ये देखिए चावल जो है हमें आराम आराम से इसमें ऐड करने हैं। चावल को जो है अब हम हल्के हल्के फैला देंगे मटन के ऊपर, तो हमें हल्के हल्के हाथों से ही फैलाना है जिससे चावल का जो दाना है वो टूट ना जाए। अच्छी ग्रेवी रोक ली थी जिसमें मैंने मटन बॉयल करा था उसे ऐड कर देंगे जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये मैंने बाजार का बिरयानी मसाला लिया है उसे ऐड कर देंगे जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देगा अपना। चावलों को जो है हल्का हल्का हमें ऊपर से मिक्स करना है और जो हमने दूध में केसर घोला हुआ था उसे ऐड कर देंगे क्योंकि उसका कलर जो है चावलों पे बहुत ही अच्छा आएगा। हैदराबादी स्टाइल बिरयानी है तो हैदराबादी टच तो देना ही पड़ेगा। यदि आपके घर केसर ना हो तो आप जो है येलो कलर जो आता है फूड कलर उसे भी ऐड कर सकती हैं। थोड़ा इसमें रेड फूड कलर ऐड कर देंगे जो कि अच्छा लगेगा बिरयानी में। कलर जो है हमें साइडों पे भी ऐड करना है। जिस ऑयल में हमने अनियन फ्राई किया था उस ऑयल को भी ऐड करेंगे जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी अनियन की। इसमें 2 टेबल स्पून इसमें देसी घी ऐड करेंगे जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। हमने देसी घी भी इसमें ऐड किया है और वो ऑयल भी ऐड किया है जिसमें हमने अनियन फ्राई करे थे। अब इसमें थोड़ा सा जो है ऊपर धनिया ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसमें पुदीना ऐड कर देंगे और फ्लेम को जो है मैंने बिल्कुल लो ही रखा हुआ है। जब चावल ऐड कर रही थी मटन में तभी मैंने फ्लेम को जो है बिल्कुल लो कर दिया था, तो हमें बिल्कुल स्लो ही रखना है गैस को। और अब इसको ढक के रख देंगे 5 मिनट तक के लिए। कलर चाहें आप ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं इसमें, लाल कलर भी डाल सकते हैं और पीला कलर भी डाल सकते हैं, आपका जो मन चाहे आप फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। अब बिरयानी को जो है हम 7 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और बिल्कुल फ्लेम को जो है हम लो ही रखेंगे। तो गाइस 6 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन को ऊपर उठाते हैं, ढक्कन बहुत गर्म हो रहा है।
जो है अभी लोही करी हुई है, वो अब जो है हम उठाते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए गाइस, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी की। और आप ये देख रहे होंगे कि जो फ्राइड अनियन है ये कैसे ऊपर आ गए, तो ये मैं आपको बताना भूल गई थी, शूट करना मेरा बीच में रह गया था, ये मैंने बाद में ऐड किए हैं। ये तो ये देखिए फ्राइड अनियन भी आपको ऊपर से डालने हैं, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा बिरयानी का। और बिरयानी लग रहा है हमारी एकदम कुक हो गई है। अब इसको हम ढक देते हैं और फ्लेम को जो है हम ऑफ कर देंगे। बिरयानी को अभी हम 5 मिनट तक के लिए ऐसे ही अच्छे से ढके रहने देंगे, बिल्कुल ढक्कन नहीं उठाएंगे। 8 मिनट हो चुके हैं, अब बच्चों को भी भूख लग रही है, अब जल्दी से इसको गर्मा गर्म ढक्कन उठा के हम बिरयानी को अपनी सर्व करेंगे। और यकीन मानिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी को जो है। अभी मैं आपको हिला के दिखाती हूँ बिरयानी को। हमें साइडों से हल्का हल्का हिलाना है, बीच में बिल्कुल भी करछी नहीं मारनी है। और चावलों को हमें हल्के हल्के हाथों से ही हिलाते हुए सर्व करना है। पहले हम बिरयानी को थोड़ा हल्के हल्के हिलाते हुए हल्का हल्का मिक्स कर लें। देख ही रहे होंगे बिरयानी का जो कलर है कितना बढ़िया है एकदम। ऐसे ही हमें हल्के हल्के सारे चावलों को मिक्स करना है, क्योंकि फ्लेवर जो है मटन का सारे चावलों में आ जाए, उसके बाद हम सर्व करेंगे। तो अब हम बिरयानी को गर्मा गर्म जो है सर्व करते हैं। आप भी जब ये बिरयानी घर पे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी आप लोगों को भी। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा एक बार, और हैदराबादी बिरयानी तो सभी को बहुत टेस्टी लगती है। यदि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक व सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।